आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर है सवाल? हाँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर सवाल है। कितने पे लिया? मैंने एक्चुअली 95 पे लिया था, फिर जब लो हुआ था थोड़ा लो पे करके, अभी एवरेज आई 90 रुपीज है। तो मेरा ये सवाल था कि ये क्या अभी इंक्रीज होने का चांस है, कि तो लास्ट 2-3 मंथ में पहले इंक्रीज हो चुका है, तो अभी ये सैचुरेशन लेवल पे ही चलेगा? आप कितना और समय देने के पक्ष में हैं? 1 to 2 months। 1 से 2 साल, 2 महीने का ही आप समय देना चाहते हैं। और राइट, कुणाल आपके पास आऊंगी क्योंकि छोटा नजरिया है इनका, 1 से 2 महीने का ही 95 किया था और फिर मेरे ख्याल से इन्होंने एवरेज किया है। देखिए घाटे में तो हैं, लेकिन क्या और रुकने में समझदारी है? 1 से 2 महीने का ही नजरिया है। सी, अगर नवंबर से दिसंबर, मतलब ये 2 महीने की अगर हम बिहेवियर की बात करें, तो ये काउंटर ने क्लियर हायर टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट प्रेजेंट लेवल से तो एक नया सपोर्ट भी बन सकता है काउंटर में। सो 85 के स्टॉप लॉस से इस काउंटर में डेफिनेटली बने रह सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। इस काउंटर के टारगेट करीब करीब 92.5 to 93 तक के भी आ सकते हैं। और अगर थोड़ा सा लंबा समय हमारा व्यूअर दे दें इसे, तो इस काउंटर में 99 to 100 लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं। सो यस, ऑल इन ऑल शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस काउंटर में डेफिनेटली बने रह सकते हैं। गीत कुमार जी ने सवाल भेजा है कैंपस शूज पर, 700 शेयर्स 299 पर इन्होंने लिया हुआ है। हाल फिलहाल की खरीद लग रही है, थोड़े नुकसान में है, 275 पर स्टॉक इस वक्त कारोबार भी कर रहा है। कुणाल क्या राय होगी आपकी कैंपस एक्टिव वेयर में? पूछा, इस काउंटर में हमने अक्टूबर 2022 से लेके अब तक एक बहुत ही लंबा नेगेटिव कंसोलिडेशन, इनफैक्ट डाउन ट्रेंड देखा हुआ है, और ये डाउन ट्रेंड कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इवन इफ अगर हम रिसेंटली बात करें, तो काउंटर कंसोलिडेशन से नेगेटिव ही हो रहा है। आई थिंक हाल फिलहाल की खरीदी है, तो इस काउंटर से एज ऑफ नाउ निकल जाए। अज्यूम करना कि यहाँ पे बॉटम बनेगा, दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। आई थिंक अगर यहाँ से रिवर्सल भी आता है, तो ये काउंटर करीब करीब 300 के ऊपर निकलने पर ही हमें एक पॉजिटिव संकेत दे सकता है। सो आई वुड एडवाइस कि अगर यहाँ से छोटा सा हो रहा है, अगर एग्जिट कर सकते हैं तो डेफिनेटली कर दें, और एक टर्न अराउंड की वेट करें, तब जाके थोड़ा महंगा बाय करेंगे, बट एटलीस्ट अप ट्रेंड में बाय करेंगे, तो हमारे प्रॉफिट के चांसेस बढ़ सकते हैं। राइट।